कर दिया। Redmi A1 FRP lock, how to remove with टॉक बैक मेथड इसमें काम नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कोई ऑप्शन शो नहीं होता है यहाँ पे। डेवलपर सेटिंग दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज ये अपडेट वर्जन है 9 MIUI 9 वर्जन, इसमें टॉक बैक काम नहीं करता। और भी कोई बाईपास काम मेथड वर्क नहीं करता इसमें। वाईफाई कनेक्ट कीजिए अपने किसी दूसरे फ़ोन का। कोई भी वो नहीं। इसके लिए एक सिंपल मेथड है, यहाँ बैक आइए, यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कीजिए, हिंदी स्टार्ट। अभी नहीं भाषा सेटिंग आप चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज वापस जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हिंदी यहाँ से कर सकते हैं। ये है यहाँ पे गूगल एपेक्स लॉन्चर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कीजिए यहाँ से। डाउनलोड होने का वेट कीजिए। डाउनलोड हो गया, इसे खोलें। सेटिंग, अनुमति, इंस्टॉल करें। ये हो गया सेटिंग। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, सिस्टम जाके हो गया। फोन आया, फोन आया। अरे यो तो है ये देख मेरा ये बोले तो क्या बोर्ड से डाउन नीचे दाब स्क्रीन हो जाएगी। अरे यार लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया यहाँ से। अब आकर इसमें ब्राउजर ओपन करो, एक एप्लीकेशन और डाउनलोड कीजिए यहाँ से। रिमोट जीएसएम एच एपीके, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये रेडमी MIUI A2 है, सॉरी A1 बोल रहा था मैंने शुरू में, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम है, दोनों गूगल वर्जन है। डाउनलोड हो रही है एप्लीकेशन। तब तक बैक आए, बिल्कुल सेटिंग खोलें दोबारा और यहाँ पर जाएं हम सिक्योरिटी, डिवाइस डीएक्टिवेट, now go to apps, see all apps, select show system, Google account, दो एप्लीकेशन बंद करेंगे यहाँ से, Google Play Service और Google Play Store disable और Google Play Store दोनों को डिसेबल कर दिया बिल्कुल। अब बैक आए, देखिए वो फाइल डाउनलोड हुई है या नहीं। फाइल्स अभी हो रही है, अनफॉर्मेटेड आ रहे हैं, तो एक मिनट का वेट करेंगे डाउनलोड होने का इसका। इंस्टॉल कीजिए इस एप्लीकेशन को। इसको डन करें। अब वापस बैक आएँ, दोबारा सेटिंग खोलें और इसमें अकाउंट ऐड, गूगल, अपनी आईडी, जो आपको आईडी और पासवर्ड दोनों याद हो वो यहाँ पे डालें। जैसे मेरी मुझे आईडी याद है वो मैं डाल रहा हूँ, उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। सॉरी गलत पासवर्ड डालिए और नेक्स्ट कीजिए। ये आईडी और पासवर्ड दोनों डाल चुके हैं। ये देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, जो आपने एप्लीकेशन डिसेबल की थी उनको दोबारा इनेबल करेंगे यहाँ से। सेटिंग शो सिस्टम ऐप्स दोनों एप्लीकेशन, गूगल अकाउंट मैनेजर और गूगल प्ले स्टोर दोनों को इनेबल करेंगे। इनेबल, इसको भी इनेबल करेंगे, इनेबल। और सिक्योरिटी में जाकर डिवाइस एडमिन को भी एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेट हो गया, ये एप्लीकेशन का था, कोई बात नहीं, इसे भी कर देते हैं एक्टिवेट। सब ओके, नाउ रीस्टार्ट। Now skip checking for updates. Account added successfully. अब कुछ नहीं, बस जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करने, आपका अकाउंट स्किप हो चुका है। सिक्योरिटी पिन अगर आपको नहीं सिलेक्ट करना तो उसको स्किप कर दें। ये देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है फोन में से। ये Redmi A2 है और A1 में भी सेम ही प्रोसेस है MIUI 9 और 10 का। सो आप दोनों मोबाइलों को इसी मेथड से कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब जो भी आपका अकाउंट डाला है उसको अकाउंट में जाके रिमूव कर दें अपना अकाउंट, और अब रिस्टोर कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो रिस्टोर कर दें, अदरवाइज आप वैसे यूज़ भी कर सकते हैं इसको। अगर आप मोबाइल शॉप है आपकी तो अपना अकाउंट ज़रूर रिमूव करके इसको रिस्टोर ज़रूर करते हैं यार, क्योंकि अगर आप रिस्टोर करोगे तो ये आपसे आईडी नहीं मांगेगा। ये देखिए Redmi A2 मोबाइल है, और एंड्रॉयड 9 वर्जन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।